नामालूम अफराद की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को पीटीआई के खिलाफ जल्दी फैसला देने से रोके जाने का इंकशाफ हुआ है। पाकिस्तान के सबसे मोतबर और सीनियर सहाफी व एंकर पर्सन तलत हुसैन ने ट्वीट किया कि चीफ इलेक्शन कमीशन को फॉरन फंडिंग केस में फैसला देने से नामालूम अफराद रोक रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी सेनेट काम के कमांडर जनरल माइकल एरिक कोरिला के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई इस्तेहकाम और दफाई व सिक्योरिटी ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असेंबली के इंतखाबात में वोटिंग के तरीकाकार को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। हमजा शबाज कहते हैं, हम अदालत जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्पीकर पंजाब असेंबली के इलेक्शन को हफ्ते को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि फंडिंग केस फैसला सुनाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन पीपी और नून लीग का भी फंडिंग केस देखें। आरिफ नकवी के बारे में कहा कि उन्होंने मुझे फंड दिए जबकि शरीफ बरादरान को रिश्वत दी। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुश्तरका सोच को हकीकत का रूप देने के लिए रेल, सड़क, बजरी और फिजाई रबते कायम करते हुए शंघाई ताउन तंजीम के दरमियान रबते बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है।